गाइस कैसे हैं आप लोग, सबका स्वागत है छोटी प्रॉब्लम्स में। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ रियलमी C11 मोबाइल की, और ये फोन मुझे सेल में सिर्फ और सिर्फ 5,850 रुपए का पड़ा है। चलिए अनबॉक्सिंग देखते हैं और वीडियो में आगे मैं बताऊंगा ये मुझे 5,850 का कैसे पड़ा। और ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ही यही है कि अगर आप 5,000 के अंदर कोई फोन खरीद रहे हैं तो बिल्कुल भी अदर फोन ना खरीदें जो कि कम स्पेक के साथ आते हैं। अगर आपको लेना ही है तो सेल जब आती है तब इस तरह के फोन आप ऑर्डर कर सकते हो, जैसे Realme C11 जिसमें एक अच्छा खासा प्रोसेसर है जो कि आपको एक बजट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है, और कैमरे भी काफ़ी अच्छे हैं इसके। और बात कर लें बॉक्स की पैकेजिंग, तो बॉक्स की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, अच्छे से पॉलीथीन में रैप्ड है ये। तो चलिए यहाँ से कट कर लेते हैं बॉक्स को और बात कर लेते हैं कैसे ये फ़ोन मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ 5,850 का पड़ा। सो गाइस जैसा कि सेल चल रही थी, 7,500 का फ़ोन था ये, और मैंने जो है सेल में देखा कि ये 6,500 का है, और फिर उसके बाद मैंने 10% का डिस्काउंट चल रहा था SBI के कार्ड पे, तो मैंने वो यूज़ किया। तो इस तरीके से मुझे ये फ़ोन 5,850 का पड़ गया। तो बहुत ही सिंपल था, आप भी इस तरह सेल में इस फ़ोन को जो है इस प्राइस में ऑर्डर कर सकते हो। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग चार्जर, यहाँ पे चार्जर काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे इस प्राइस में, और ये कोई फास्ट चार्जर नहीं है, नॉर्मल 5V 2A का चार्जर है, आप देख सकते हो। केबल की क्वालिटी देख लेते हैं, और केबल की क्वालिटी की अगर बात करूँ मैं तो ये भी आप देख सकते हो Micro USB है, टाइप सी नहीं है, यहाँ पे Micro USB आपको मिलता है, और येलो इनका आप जानते हो फेवरेट कलर रियलमी का। और बाकी फ़ोन के अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे हेडफोन दे देते तो मज़ा आ जाता। तो ये हो गया, सबको साइड में रखते हैं, फटाफट फ़ोन देख लेते हैं, फ़ोन का रैप हटा के देख लेते हैं फ़ोन का लुक कैसा है। ओ भाई इस प्राइस में ये लोग जो है धमाल मचा दिए हैं, मुझको ये बहुत ही सस्ता ही, वाह यार क्या बात है, मतलब क्या बात है, मतलब मैं क्या बोलूँ भाई, मुझे ये फ़ोन बहुत ही सस्ता पड़ गया। फटाफट इसको बूट कर लेते हैं, वाह यार वाओ मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि 6,500 में यार इस तरह का फ़ोन आप फिनिशिंग देख सकते हो, बैक से मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, एक नंबर है यार। तो फटाफट चलिए बॉक्स की जो हाईलाइटिंग उसकी बात कर लेते हैं जब तक फ़ोन ऑन हो रहा है। फ़ोन की प्राइसिंग दी 8,999 हुए, लेकिन इतना नहीं है। रियर कैमरे की बात करें 13 MP प्लस 2 MP का दिया हुआ है, और 5 MP का फ्रंट कैमरा है, इसे फिंगरप्रिंट नहीं आता है लेकिन फेस अनलॉक आता है। और ये फ़ोन मुझे पड़ा है 5,850 का, आपको फिर से बता दूँ, और इससे भी 7,500 का मिल रहा है, बिग बिलियन मुझे सस्ता पड़ा था। बात कर लेते हैं कलर की, कलर जो है ये ग्रे कलर का है, और 1 साल की वारंटी आपको मिल जाती है, 6 महीने की वारंटी मिल जाती है एक सीरीज़ पे। 5,000 mAh की इसमें बैटरी दिया हुआ है, हाईलाइट में आप देख सकते हो। बॉक्स के पीछे जो हाईलाइट है अगर उसकी बात कर लें हम, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, हाँ ये देखो 5,000 mAh की मैसिव बैटरी है, 6.5 इंच का मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन है, 6,000 के अंदर मुझे 6.5 इंच मिल गया HD स्क्रीन, दिक्कत क्या है। 13 MP का डुअल कैमरा, G35 गेमिंग प्रोसेसर, यानी G35 एक अच्छा प्रोसेसर है, मतलब इस प्राइस में बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इधर, आप नीचे आप देख सकते हो, बाकी 5V 2A की बैटरी है, 2GB 32GB, बस यहाँ मुझे 3GB मिल जाता तो मज़ा था, लेकिन यार फिर भी बहुत सस्ते में पाया हूँ, लेकिन 7,500 में 3GB मिलना चाहिए, और बाकी जिस प्राइस में पाया उस प्राइस में सब सही है। तो मेड इन इंडिया बड़ा बड़ा आप देख सकते हो लिखा हुआ है, डिज़ाइन बाय रियलमी। तो चलिए फ़ोन हमारा हो गया है बूटअप, अब फटाफट इसको सेटअप कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। पे स्टार्ट कर चुके हैं फ़ोन को, और फ़ोन आप देख सकते हो सीरियसली यार इस प्राइस में, नीचे की चिन थोड़ी बड़ी लग रही, लेकिन कोई भी मैं शिकायत नहीं करूंगा क्योंकि इस प्राइस में सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फटाफट हम देख लेते हैं सामने की तरफ क्या क्या दिया हुआ है। तो मोस्टली आप ये देख सकते हो, सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे अभी लगी है, डायल और मैसेज बॉक्स, ये गूगल का है, और रियलमी फ़िलहाल इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, अपने बग्स वगैरह हटा रहा है। जितने भी ऐप्स आप देख रहे हैं एक्सटर्नल, जैसे अमेज़ॉन है, इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, रियलमी पे, ये सब कुछ हम इंस्टॉल कर सकते हैं, रियलमी कम्युनिटी वगैरह सब अनइंस्टॉल आप कर सकते हो। और UI इनका काफ़ी अच्छा हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप देख सकते हो सब कुछ बढ़िया है। बाकी अब चलते हैं सेटिंग पे, फटाफट हम चलते हैं अबाउट फ़ोन। तो प्रेजेंट टाइम C11 आप देख सकते हो लिखा हुआ है ना, और
वर्जन 1.0 पे चल रहा है, एंड्रॉयड 10 पे है जो कि रियल मी वाई वर्जन 1.0 पे। 19 GB हमें अवेलेबल मिलती है 32 GB में से 19.7 GB। सो गाइस एक चीज़ और बताना था इस रिलेटेड कि बैक कवर इसमें नहीं मिलता है, वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। बस स्क्रीन गार्ड इसमें लगा हुआ है, टेम्पर्ड भी आपको अलग से लगाना ही है, टेम्पर्ड तो अलग से लगाना ही पड़ता है, लेकिन बैक कवर नहीं मिलता है इसके साथ। और सस्ते फ़ोनों में हटाया जा रहा है ना जाने क्यों, हेडफोन भी नहीं दे रहे, बैक कवर भी अब नहीं दोगे, क्या दोगे यार पता नहीं। अब देख लेते हैं छोटे मोटे फीचर्स की, तो अगर फीचर्स की बात कर लें तो भाई इसमें आपको डुअल सिम मिल जाता है। हाँ एक बार मैं आपको सिम इजेक्ट करके दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, तो आप देख सकते हो, ये देखो आप ट्रिपल शॉट आपको मिल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो सेटिंग पे हम फटाफट देख लेते हैं फीचर्स की, नोटिफिकेशन और स्टेटस बार अपने हिसाब से आप सब कुछ जो है हैंडल कर सकते हो, बहुत अच्छे सारे फीचर्स दिए हुए हैं इसमें। और बात कर लेते हैं डिस्प्ले और ब्राइटनेस की, इसके भी डार्क मोड भी इसमें दिया हुआ है, देखिए मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ वो, तो आप लोग देख सकते हो। तो ब्राइटनेस की अगर हम बात कर ले फ़ोन की, तो ब्राइटनेस बहुत अच्छी है इस प्राइस में, बहुत ही अच्छी है। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ डिस्प्ले, स्क्रीन डिस्प्ले देख लो, फुल स्क्रीन डिस्प्ले भाई, ऐप्स ये सारी जो है हैंडल आप कर सकते हो यहाँ पे, ये सारे फीचर्स, हाँ होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, तो आप ये सारी चीज़ें आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। स्क्रीन के आइकन्स वगैरह अपने हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो किस साइज़ आपको चाहिए। डबल टैप टू लॉक भी है इसमें दिया हुआ है, ठीक है, और भी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, मतलब फीचर्स भर भर के हैं, आपको शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी इस प्राइस में। साउंड और वाइब्रेशन, रिंगटोन वगैरह सब आप यहाँ सेट कर सकते हो, ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी है, फेस एंड पासवर्ड फेस आईडी भी है इसमें, कन्वेंशनल टूल, बहुत चीज़ आपने देख ली होगी इंटरनेट पर, तो मुझे बहुत कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। बस मैंने इस फ़ोन को इसलिए दिखाया कि मैं 5850 पे फ़ोन मंगाया और उस प्राइस पे फ़ोन कैसा है, बस आपको लोग को ये दिखाना था। अब बात कर लेते हैं कैमरे की, तो गाइस जैसे कि बैक कैमरा आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, बैक कैमरा आप देख सकते हो, अरे कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, 2x ज़ूम और ये 4x ज़ूम तक आप देख सकते हो, मैंने दिखा रहा हूँ आपको, सब कुछ क्लियर है, मुझे कुछ भी ब्रेन नहीं लग रही। AI मोड इस पर दिया हुआ है 13 MP का है, और AI मोड भी है इसमें, आपको HDR भी मिल जाता है, ठीक है, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, आपको क्रोमा बूस्ट मिल जाता है जो कि इनका काफ़ी है, बहुत सारे आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं, ये देख लो आप, ठीक है, और ये वीडियो मोड आप देख सकते हो, वीडियो मोड में भी आप फिल्टर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, फ्लैश वगैरह है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट मोड भी दिया हुआ है आपका, पोर्ट्रेट मोड दिया हुआ है इसमें, अगर पोर्ट्रेट मोड की बात कर ले, देख लेते हैं कैसा वर्क करता है, ठीक है, आपके सामने मैं देख रहा हूँ, तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड देख लो आप, ठीक है, बहुत ही सही काम कर रहा है। कैमरे में नहीं दिख रहा है तो मैं अभी आपको फ़ोटो क्लिक करके और जूम करके दिखाता हूँ, स्पीड भी ठीक ही ठाक है इस प्राइस में, तो आप लोग देख सकते हो एजेस देखो आप, ठीक है, यहाँ से बैकग्राउंड अच्छा खासा ब्लर कर रहा है। और मोड पे अगर जाके देखते हैं, स्लो मो भी दिया हुआ है इसमें, टाइम लैप्स भी दिया हुआ है, एक्सपर्ट मोड भी दिया हुआ है, जिसको एक्सपर्ट मोड में खींचना है भाई जानता है, तो वो अच्छी खासी पिक्स इस फ़ोन से निकाल सकता है। अब चलिए फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं, सो गाइस फ्रंट कैमरा आप देख सकते हो मैंने पोर्ट्रेट मोड ही ऑन किया हुआ था, तो ये 5 MP का है, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं करने वाला हूँ, फिर भी काफ़ी सही लग रहा है मुझे। अब डे लाइट की फ़ोटोज़ वगैरह आप देखो सुनने, वाओ पीछे रॉड जल रही है, वीडियो में कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है खास, लेकिन फिर भी अच्छा काम कर रहा है 5 MP। फ्रंट कैमरा मैं उतना अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन 5 MP के हिसाब से बहुत सही है कैमरा, और बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको डे टू डे लाइफ यूज़ करने में इस फ़ोन को, क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। फाइनली हम बस डिज़ाइन की बात कर लेते हैं और साइड लुक की बात कर लेते हैं, तो अगर मैं साइड से फ़ोन को देखूं, तो फ़ोन की जो थिकनेस है थोड़ी सी ज़्यादा लगी, लेकिन इस प्राइस में सही है, फ़ोन का वेट काफ़ी सही लग रहा है इस प्राइस में। और बात कर लेते हैं, आप देखो कैमरे की देख लो आप, ठीक है, कैमरे की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगी है, बैक डिज़ाइन ही मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और रियल मी की ब्रांडिंग यहाँ पे बड़ी हुई बड़ी सी दी है, पता नहीं किसी को पसंद आ सकता है किसी को नहीं आ सकता है, और थोड़ा सा ये उभरी हुई है, अगर आप छूगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, और यहाँ से जैसे कि ये थोड़ा प्लेन है, ये थोड़ा टेक्स्चर्स में है, बैक पैनल मुझे इसका बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मैं आपको लाइट जला के दिखाता हूँ,
आप देख सकते हो जैसे साइन पड़ता है वैसे ही थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है, और इस वजह से फ्री है, फिंगरप्रिंट इतने आसानी इसमें नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा फ़ोन है, मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको 6-6.5 का पड़ जाता है, 6.5 के आसपास अगर ये फ़ोन पड़ रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ़ोन आप आराम से इस प्राइस में बाय कर सकते हो अगर आपको ये फ़ोन 6,500 के आसपास मिल जाता है। और 7,500 में अगर आपको कोई फ़ोन नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये फ़ोन बाय कर सकते हो, बट 6,500 में अब मिलना चाहिए, क्योंकि बिग बिलियन डेज के बाद मुझे नहीं लगता 7,500 में इसको खरीदना सही है। तो भाई मेरा ओपिनियन यही है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी इस फोन से रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी आपके माइंड में तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट सेक्शन जरूर बताना, कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछ लेना। सो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो अच्छी लगी शेयर भी कर देना।